चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंग लिमिटेड के अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों की हुई समीक्षा बैठक की जानकारी दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और गन्ने के पिराई सीजन को लेकर क्या तैयारियां हैं इस पर बातचीत हुई है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर साहब, आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कौन कौन उसमें मौजूद रहे हैं और क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? आज सभी शुगर मिल्स के MDs मीटिंग में शामिल हुए और हमारे विभाग के CS और RCS और MD शुगर फेड भी शामिल हुए और ये सब जो हमारा क्रशिंग सीजन आ रहा है और ये हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके और नवंबर के सेकंड वीक तक सभी शुगर मिल्स की क्रशिंग शुरू हो जाए और सभी MDs ने ये अश्योर किया है कि हम ये जो आपने जो डेट दी हैं उन डेट पे निश्चित तौर पर क्रशिंग शुरू करेंगे और हमने साथ में ये भी उनसे इंश्योर करवाया कि भाई जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक हमने कहा था पूरा हो जाए तो वो भी मतलब 30 सितंबर तक वो काम पूरा हो गया और उस पर जो भी कोई कमी है उसके बारे में हमने कहा कि भाई जो भी कोई कमी है उसको अभी पूरा कर लें ताकि जब एक बार मिल शुरू हो जाए उसके बाद बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारा पिछला एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, एक कोई शुगर मिल बीच के अंदर बंद नहीं हुई और किसानों को भी कोई असुविधा नहीं हुई। किसी भी किसान ने कोई किसी तरह की मतलब शिकायत नहीं की कि उनका गन्ना पिरोया नहीं गया। सर, आपने बताया कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के बीच में अलग अलग जो जिलों में सहकारी मिल हैं वो शुरू होंगे, तो आज की जो अधिकारियों की बैठक थी उसमें क्या रिपोर्ट थी? मतलब जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक पूरा हुआ है, कहीं पर कोई खामी कमी नजर आई या कोई और ज़्यादा उसमें टेक्निकली कोई कहीं दिक्कत तो नहीं किसी मिल में? नहीं, लगभग सभी मिल्स का जो मेंटेनेंस का काम था सेटिस्फैक्ट्री था और कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो अभी हमारे पास समय है, उसमें पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो डेट्स दी हैं उस डेट पर क्रशिंग शुरू हो जाएगी। सर, गन्ना किसान इससे पहले हरियाणा में जो शुगर मिल थी उनके बाहर लंबी जो है वो ट्रॉलियों की लाइन देखने को मिलती थी और गन्ना किसान जो है वो काफ़ी परेशान होते थे मिल में उनके गन्ने की पिराई को लेकर। अब आपने क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह से किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना गन्ना लेकर जब ट्रॉली में पहुँचेगा मिल तो उसको पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी? देखो, पिछली बार भी हमने जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था और किसान को उसके मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है कि भाई आप अब अपना गन्ना लेके आ सकते हो और उसी टाइम किसान घर से चलता है तो उसको कहीं भी वेट नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पिछले साल भी नहीं आई और आगे भी कोई दिक्कत किसान को नहीं आने देंगे। गन्ना किसानों के पुराने भुगतान की बात करें या फिर अब आगे जो पिराई सीजन शुरू आप करने जा रहे हैं उसके भुगतान की बात करें, क्या तैयारी है? मतलब पिछला भुगतान आपने कर दिया है क्या सभी मिल का, और अगले भुगतान को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, जो हमारा 2021 का जो क्रशिंग सीजन था उसके अंदर हमने मेरे ख्याल से 10 जुलाई से पहले पहले सभी की पेमेंट हमने कर सभी किसानों की पेमेंट कर चुके थे और आज की तारीख में किसी भी शुगर मिल की कोई किसान की पेमेंट बाकी नहीं है। तो आगे आगामी जो सीजन शुरू होने जा रहा है सर, उसकी पेमेंट गन्ना किसानों के समय पर हो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, इसके लिए भी हमने जो लोन देते हैं हम मिल्स को उसका भी प्रावधान हमने कर लिया है और आगे भी हम किसान की पेमेंट में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, किसान को समय पर पेमेंट करेंगे। आज की बैठक में सर एक एथेनॉल के उत्पादन को लेकर जो सोर्स है उस पर भी बातचीत हुई है, तो क्या आपके पास कोई जानकारी थी किस तरीके से इसके ऊपर आगे और काम हो सकता है? देखो, हमने जैसे एथेनॉल हमारा शुगर से भी बनता है, जैसे सिरा से बनता है और इसी तरह ग्रेन से भी बनता है, तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि भाई ग्रेन में अगर बाजरे से भी अगर इथेनॉल बन सकता है तो इसकी भी स्टडी करें और इसका भी देखें कि भाई अगर हम बाजरे से इथेनॉल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो बाजरा की ज़्यादा उपज होती है तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर स्टडी करते हैं और अगर संभव हुआ तो इस पर काम करेंगे। सर, आप जो गन्ना किसान अब जो है वो शुगर मिल पहुंचेंगे, गन्ने की पिराई होगी, पिछली बार भी आपने जो है वो कुछ नए प्रोडक्ट के तौर पर गुड़ या शक्कर जो है वो मार्केट में आप लेके आए थे, इस बार भी इस तरह की तैयारी रहेगी सर? हाँ, पिछले साल हमने 3 मिलों में जैसे शुरू किया था, कैथल, पलवल और मैम, और अब की बार भी इन 3 मिल में हम वही गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन करेंगे और पिछली बार जो थोड़ी बहुत कमियां रही उनको अब सुधारेंगे, जो पैकिंग में भी और उसका जो साइज़ है उसमें भी सुधार करेंगे
और इसका अच्छा गुड़ और शक्कर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे ताकि लोगों को गुड़ और शक्कर मिल सके। सर, मार्केट में भी और आम लोगों में भी अब जो है वो शुगर से ज़्यादा यानी चीनी से ज़्यादा जो डिमांड है वो गुड़ है, शक्कर इस तरह की अब बड़ी है, उसके मद्देनज़र आपने फिलहाल 3 जगह पर ये प्रोडक्शन करने की बात की है, आगे इसको और विस्तार करने की बात करें या फिर यहाँ इन 3 जगह पर काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाए ताकि इस चीज़ की सप्लाई लगातार बनी रहे? देखो वही बात है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डिमांड बढ़ती है तो दूसरी या तो इन्हीं में क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी या दूसरी शुगर मिल्स के अंदर भी हम गुड़ वगैरह बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अंतिम सवाल है सर, पिराई का सीजन अब शुरू होने जा रहा है, आपने दिशा निर्देश आज अधिकारियों को दे दिए हैं, गन्ना किसानों से क्या अपील है? एक तो गन्ना किसानों से ये अपील है कि गन्ना अपना एक साफ सुथरा करके लेके आए, और एक पहले भी हमने पिछली बार भी ये कहा था, किसान अपना गन्ना जो डिस्टेंस पे बोएं तो उससे क्या होता है, एक तो जो कटिंग क्रॉप कटिंग के टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी, हार्वेस्ट वगैरह उसमें यूज किया जा सकता है, जो कि किसानों की एक समस्या थी कि भाई लास्ट के टाइम में जो लेबर है उनको लेबर नहीं मिलती और उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अगर डिस्टेंस पे 4-4 फीट के डिस्टेंस पे अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो उसमें क्या है कि हार्वेस्टर से कट जाएगा और उससे मतलब उनको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, और इंटरक्रॉप एक फसल भी हम लगा सकते हैं उसमें, और कोई सब्जी वगैरह कोई इसका जो डिस्टेंस उसके अंदर दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं, तो उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। सर, सवाल ये रह गया कि अभी आपने हाल ही में जो है वो गन्ने के रेट की जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है, तो ये जो गन्ने के रेट बढ़ाए इन्हीं रेट पर किसानों का गन्ना बिकेगा क्या, रेट क्या रहेंगे सर? देखो हमने जो पहले भी हमारा सबसे ज़्यादा रेट था और अब भी हमने 12 रुपये बढ़ाए हैं, और ये रेट जो बढ़ाएं उसी रेट पे गन्ना किसानों को खरीदा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर बनवारीलाल सहकारिता मंत्री मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि गन्ने की पिराई के मद्देनज़र जो शुगर मिल है उनमें पिराई को शुरू करने के लिए आदेश दे दिए हैं, और गन्ना किसानों से अपील की है कि वो अपना साफ सुथरा गन्ना लेकर आए ताकि उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, और गन्ना किसानों का भुगतान जो पिछली बार किया गया है 10 जुलाई तक उसी तरह से समय पर किसानों को भुगतान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।